21 फरवरी को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने का शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने प्रयागराज कुंभ से किया ऐलान। प्रयागराज कुंभ से विशेष संवाददाता संदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आज प्रयागराज कुंभ में कहा कि मोदी और योगीराज में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा, इसके लिए साधु संत आगे आएंगे और मैं साधु संतों के साथ प्रयागराज से अयोध्या जाकर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आधारशिला रखूंगा। गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। दूसरे शाही स्नान 4 फरवरी की उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ साथ 30,000 पुलिस बल कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। के अध्यक्ष थे, उनके बारे में आप क्या कहना? वासुदेवाचार्य जो शिलान्यास कब करेंगे राम मंदिर? शिला कहाँ से आई थी? राम मंदिर की जो शिला होगी वो कहाँ से? जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे उनके बारे में आप क्या कहना? वासुदेवाचार्य जो विश्व हिंदू परिषद के शंकराचार्य जी अपने को खुद स्वघोषित शंकराचार्य बोलते हैं। ऐसा है कि आए हुए अतिथियों को मारा, धक्का दिया, गाली गलौज की और इसी विश्व हिंदू परिषद की जो सभा हुई उसमें पत्रकारों और अतिथियों के साथ जो अपमान किया गया उसके बारे में आपका क्या कहना? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। अब आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए अपनी आसपास की खबरें हम तक पहुंचा सकते हैं।